हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीटेट 2019, जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। उसके पेपर वन में क्लास 1 to 5 के लिए हिंदी का सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 और 2 पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम इसमें कर रहे थे पार्ट 3 में हिंदी के टॉपिक में अधिगम। अधिगम मीन्स लर्निंग, और अधिगम और अधिग्रहण दोनों दिया हुआ है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो वो हम टॉपिक ही अधिगम का एक पार्ट रह गया था, जिसमें हमें पढ़ना था थॉर्नडाइक की लर्निंग की थ्योरी। उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना था कि कैसे होती है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में वो पूछी जा सकती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और चाइल्ड पेडागॉजी में तो पूछी ही जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट में तो वहाँ तो आनी ही आनी है। तो यहाँ मैं वहाँ भी तैयारी वहाँ की यहाँ से आप कर सकते हैं। इसीलिए आज हम अधिगम का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि फिर ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा इसका, अधिगम का पार्ट 2 जो है इसीलिए। और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर सक्सेस मंच चैनल पर एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड हर एक तरह की वीडियो लेकर आई जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि चैनल न्यू है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक साथ स्लिप शुरू करना नहीं संभव हो पा रहा है हम लोगों के लिए। इसलिए पहले मैंने यूपी पीएससी मेंस का टॉपिक शुरू किया था, सीटेट का टॉपिक शुरू किया है। अब मैंने 7 जुलाई से पहले मैं कोर्स काफ़ी हद तक आपका ऑलमोस्ट कम्प्लीट करा दूँगी, और प्लस मैं साथ में अब क्वेश्चन बैंक भी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस जो आ सकते हैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वो भी होंगे। तो वो भी जल्दी ही क्वेश्चन बैंक में आपके सामने लेकर आऊँगी। तो उसके लिए हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा सिलेबस, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे फालतू का, सिंपल जो जो कहा गया है पॉइंट वाइज हम वो करेंगे। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन हम कर रहे थे, तो लर्निंग का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्विजिशन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अधिगम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने देखा था अधिगम होता क्या है, फिर हमने काफ़ी जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उनकी परिभाषाएं देखी थी अधिगम की। उसके बाद हमने लर्निंग की विशेषता देखी थी, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सीखने के नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे थॉर्नडाइक का सीखने का नियम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, मतलब कि थॉर्नडाइक ने ऐसी थ्योरी दी है उसके अंदर कौन कौन से नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहला नियम थॉर्नडाइक का, तत्परता का नियम, और दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तीन नियम मेन नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और इससे रिलेटेड बहुत बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं जल्द ही क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, ताकि आप साथ के साथ पढ़ाई के ये भी देख सकें कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप उसी पैटर्न पे तैयारी करें। और ये जो सारा मैं करा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ, कहीं भी इधर उधर से कुछ नहीं करा रही, एनसीईआरटी के बेस पे ये सारा आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तत्परता के नियम के अंदर है, यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। सिंपल मीनिंग में अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं, आपके अंदर उस सीखने की तत्परता है या तैयार रहना चाहते हैं कि हाँ मुझे वो काम सीखना है, तो वो काम आप जल्द सीख सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये काम सीखना है। और अगर उसका उल्टा होता है कि अब अगर आप कोई काम सीखने में इच्छा नहीं है आपकी, जैसे कि मैथमेटिक्स सम्स, अगर आपकी सीखने में इच्छा है कि मुझे, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, अगर आपको मैथमेटिक्स सम सीखने की इच्छा है, तत्परता है, तो आप बहुत आराम से वो सीख लेंगे। और अगर आपके अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं वो सीखूं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें उसको नहीं सीख सकते। तो तैयार रहने का नियम कि पहले से तैयार रहना, वो चीज़ तत्परता का नियम कि हमें ये काम सीखना है। तो इससे हमारे जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हमें वो काम सीखना है इसलिए।
नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम नॉर्मली सब लोग जानते हैं, शुरू से ही देखते आए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, हम जो भी सीखी गई वस्तु हैं, अगर उसे बार बार हम अभ्यास करते हैं तो उसे सरलतापूर्वक सीख जाते। अगर कितना भी इम्पॉसिबल काम हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर उसे बार बार अभ्यास के द्वारा इंसान सीख सकता है। और यदि हम कोई सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल भी जाते हैं। इसीलिए पहली 11th 12th या 10th क्लास में पढ़ी हुई मैथ्स अगर 20 साल बाद किसी से पूछी जाए तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वही चीज़ है कि हाँ, अभ्यास का नियम काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसी कारण वो सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन। और वही अगर टीचर है, पढ़ा रहा है, तो वो बार बार बच्चों को सिखा रहा है वही चीज़, मैथ्स के सम सिखा रहा है, तो बार बार उसका अभ्यास हो रहा है, तो वो वही क्वेश्चन कर देगा। तो बहुत फ़र्क होता है टीचर और नॉन टीचर में, अगर हम एज अ टीचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का जो थर्ड नियम है, वो है प्रभाव का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, प्रभाव का नियम को परिणाम का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख और संतोष मिलता है, उस कार्य को बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जिस कार्य करने को दुख या असंतोष मिलता है, उस कार्य को वो दोबारा नहीं करना चाहता। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। बच्चा होता है, अगर उसे पढ़ने को बोलो तो उसे उस कार्य में मन नहीं लगता, तो वो पढ़ने से बचना चाहता है। अगर वहीं उसे बोलो कि आपको खेलने जाना है, तो वो फटाफट वो कार्य करने को तैयार हो जाएगा। तो जिस कार्य में इंसान को सुकून मिलती है, शांति मिलती है, वो काम वो करना चाहता है, और जिस काम में दुख और असंतोष मिलता है, वो काम वो दोबारा नहीं करना चाहता। तो यहाँ ये प्रभाव का नियम काम करता है। थॉर्नडाइक ने बहुत, ये तो तीन उसके मेन रूल थे, इसके बाद उन्होंने गौण नियम भी बहुत सारे दिए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तीन नियम जो इम्पॉर्टेंट है वो तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये गौण नियम के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में। गौण नियम है पहला नियम इसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, और इस प्रतिक्रिया को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल इसमें दूंगी कि एक छोटा बच्चा है, उसको खाने का एक सामान चाहिए, तो वो ऊपर कोई सामान पड़ा हुआ है स्लिप के ऊपर, ज़्यादा ऊँचा है, तो वो कोशिश करता है कि उसे वो सामान मिल जाए। पहले वो छोटी सी चेयर लगाता है, अगर नहीं मिलता है तो वो चेयर हटा के एक बड़ा सा टेबल लगाएगा। इस हिसाब से वो काफ़ी टाइम तक प्रतिक्रिया करता रहेगा, और प्रतिक्रिया उस समय तक जब तक करता रहेगा जब तक उससे समस्या का, मतलब उसे वो खाने का सामान मिल ना जाए। तो इसी प्रकार से गौण नियम के अंदर होता है कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसका बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं, और जब तक राइट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते तब तक उसका दिमाग में वो घूमती रहती है चीज़, और सॉल्यूशन उसका निकालते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें गौण नियम में आएगा मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उसे सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य करने को तैयार नहीं है, तो या तो हम उस कार्य करने में असफल होते हैं, या अनेक त्रुटियां करते हैं, या बहुत विलंब करते हैं। मींस कि अगर मैं इसमें एक एग्जांपल आपको, सारा मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई पेरेंट्स है, उस वो अपने बच्चे को 12th क्लास में साइंस साइड लेने को कहता है, लेकिन उस बच्चे की मनोवृत्ति अभिवृत्ति नहीं है साइंस साइड लेने की, तो वो उसमें उसी अनुपात से सीखता है जैसे उसमें, अगर उसकी मनोवृत्ति नहीं है तो ऑब्वियस उसके मार्क्स कम आएंगे, वो पढ़ाई कम करेगा। और यही अगर उसकी आर्ट में रुचि है और वो आर्ट साइड लेता है, तो वो बहुत ही जल्दी सफल हो जाएगा। तो जिस चीज़ में रुचि होती है, मनोवृत्ति होती है, अगर वो काम किया जाता है तो हम जल्दी सीखते हैं, और जिस काम में रुचि नहीं होती, अगर वो काम किया जाता है, या तो हम उसे सीख नहीं पाते हैं, या बहुत गलतियां करते हैं सीखने में, और अगर सीख भी जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है सीखने में। इसी तरह हम इसमें स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं, जिसको जिस स्पोर्ट्स में रुचि होती है वो स्पोर्ट्स जल्दी सीख जाता है, और जिसको नहीं रुचि होती है स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स नहीं सीख सकता। तो यह रुचि का नियम काम करता है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता
से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत आधारित किया जाता है। यहाँ ये काम है कि हम किसी भी पार्ट, जैसे कि मैथ्स के सम्स कर रहे हैं और उसमें हमें सॉल्व करना है, तो उस सम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि पहले ये हिस्सा सॉल्व होगा, फिर ये हिस्सा सॉल्व होगा, फिर ये हिस्सा सॉल्व होगा, और उसके बाद हम आसानी से वो पूरा सम सॉल्व कर देंगे। लेंथी सम्स की बात करें, अगर इन जर्नल हम डेली लाइफ की बात करें, तो अगर हमें एक सब्जेक्ट का कोर्स पूरा करना है तो पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक साथ सारा नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक दिन में हमें इतना करना है और पूरे वीक में हमें पूरा करना है। तो इसीलिए अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत यहाँ काम करता है, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करके और फिर काम करना। नेक्स्ट, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। ये नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान, या पूर्व लिखा है पर्व नहीं है ये, का स्थायी अंग बना लेता है। इसमें बहुत ही ईजी वे है। अब जैसे एक चैप्टर हमने मान लीजिए कि एडिंग का ख़त्म किया, ऐड का एक चैप्टर ख़त्म किया, अब जब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं तो अगर बच्चे से बोला जाए कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो बच्चा जैसे ऐड का क्वेश्चन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेगा। बस साइन का डिफरेंस है प्लस और माइनस का, लेकिन वो साइन को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये नियम लागू होता है कि जैसे हमने पहले चीज़ें की हैं वैसे ही हम नई चीज़ों को आने पर भी उसी हिसाब से करते हैं और उसी हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। इसका मतलब यह है कि हम अपने नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में, पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थितियों में उसी प्रकार से करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में लिया है। जैसे कि यहाँ हमने एक देखा था कि डॉगी के सामने जब खाना आता था, ये नियम के अंदर आता है, तो वो लार टपकाने लगता था। अब ऐसे ही उसकी, और घंटी जब बजती थी तो वो घंटी बजने के बाद उसके सामने खाना आता था, तो वो उसका जब जैसे ही घंटी बजती थी उसे लगता था कि अब खाना आएगा, तो वो लार टपकाने लगता था। अब धीरे धीरे क्या किया, उसका घंटी खाना और लार के साथ बिल्कुल सहसंबंध स्थापित हो गया। अब नेक्स्ट परिस्थिति में अगर घंटी बजेगी तो उसके मुँह से लार आएगा, बट खाना अगर नहीं आएगा तब भी उसके मुँह से लार आएगा, तो यह घंटी और लार में सहसंबंध स्थापित हो गया। तो यहाँ पर किसी एक अनुक्रिया के प्रति, किसी एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया और बाद में फिर उसी किसी दूसरे उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होने लगती है, तो यहाँ पर सहचार्य परिवर्तन का नियम काम करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थॉर्नडाइक का जो हमें मेन तीन नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये नियम करने के बाद हमने गौण नियम पर ध्यान दिया। बहुत सारे गौण नियम है, उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, और ये मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट जो पार्ट है पेपर नंबर 1, इसमें उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप वहाँ की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो भी कमेंट करके बताइए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।